हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज है यहाँ पर फ्राइडे और अभी हो रही है शाम की, रात की 9 बजे का टाइम। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब मैं और मेरी बेटी यहाँ पर आए हैं, घर के पास ही कुछ फाउंटेन और एरिया बना हुआ है वहीं पर। और बस मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वो थोड़ा खेल रही है। और व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस व्लॉग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग मॉर्निंग में ही यहाँ पर वॉक करने आए हैं एक लेक पर। ये घर से 10-15 मिनट की दूर पर ही है, वहीं हम लोग वॉक कर रहे हैं। आज हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं कॉस्को। थोड़ी बहुत हमें ग्रॉसरी लेनी है तो वहीं जाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो जुड़े रहिएगा व्लॉग में, व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कॉस्को से बेसिक ग्रॉसरी करी हमने, दूध दही पनीर और कोकोनट वाटर वगैरह। के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर इंडियन स्टोर और यहाँ से भी हम लोगों को थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेनी थी, वो सब हम लेके और अब घर की ओर निकल गए हैं। घर पहुंचने के बाद मैं थोड़ी सी कुकिंग कर रही हूं, तो मेरे पास इडली रखी हुई थी तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप कर लिए हैं और अब मैं इडली को फ्राई कर लूँगी। तो बेसिक सी रेसिपी है, तेल गरम करके मैंने इसमें राई डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और अब ये शिमला मिर्ची जो मैंने लंबी काटी थी उसे डाल दिया है। थोड़ा सा इसे कुक करूँगी, इसे थोड़ा सा मैं क्रंची ही रखूँगी, खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। नमक काली मिर्ची डाल करके अच्छे से कुक होने देती हूँ, उसके बाद पत्ता गोभी और थोड़ी देर बाद मैं टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी। एंड में इडली डाल करके इसे अच्छे से 2-3 मिनट कुक होने दूँगी। इडली फ्राई तो बन के तैयार हो गया है और अब मैं बना रही हूँ आलू की बेसिक सी सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने टमाटर अदरक और हरी मिर्ची को चॉप कर लिया है और उसके बाद मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी मिक्सर में। और इधर तेल गरम कर दिया है, कुछ बेसिक मसाले डालूँगी जैसे कि हल्दी नमक मिर्ची और इसे अच्छे से कुक होने दूँगी। और कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसे एक बॉईल आने दूंगी। जैसे ही इसमें बॉईल आता है उसके बाद मैं इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल दूंगी। ये देखिए मेरी ग्रेवी एकदम अच्छे से कुक हो गई है, तेल एकदम इसमें से अलग हो गया है। तो अब डाल देती हूँ मैं इसमें आलू, ये उबले हुए आलू हैं जिसे मैंने चॉप कर लिया था और इसे भी मैं अच्छे से अब 2-3 मिनट कुक होने दूंगी। तो गर्मा गर्म आलू की सब्ज़ी भी बन करके तैयार हो जाएगी। दिन में हम लोग यहाँ पर देख रहे थे मूवी भूल भुलैया और ठीक ठीक ही लगी, कुछ खास नहीं लगी ये मूवी। अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। आज मौसम काफ़ी अच्छा है तो हम लोग ने सोचा बीच चलते हैं, तो आलू की सब्ज़ी पूड़ी और दही वगैरह लेके हम लोग बीच पर जाने का प्लान कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये फटाफट से सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप लोगों ने वीकेंड पर क्या किया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए वेदर कितना बढ़िया हो रहा है आज, तो मेरी सारी पैकिंग भी डन हो गई है, काफ़ी कुछ सामान लेकर जा रही हूँ मैं बीच पर। और हम लोग पहुँच गए हैं अब बीच और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ही मस्त माहौल हो रहा था तो हमने काफ़ी इंजॉय करा। हम लोग शाम को ही पहुँच गए थे और रात 10 बजे तक हम वहीं थे। Oh my God.
पे थोड़ा खेलने के बाद अब हो गया है डिनर टाइम। तो यहाँ पर मैं सेव, आलू की सब्जी, पूड़ी, दही और अचार वगैरह सब लेकर आई थी। तो अब हम लोग डिनर इन्जॉय करेंगे। करने के बाद हम लोग यहाँ पर बस अपनी बेटी को थोड़ा खिला रहे हैं राइड्स पर, और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने व्लॉग इन्जॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और लाइफ को इन्जॉय करते रहिए। नमस्ते।